हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से जुड़ी हुई तीन बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग अपडेट्स है। लेकिन गाइज, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपके AEW से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो फिर आप अपने सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्योंकि गाइज, हमारे चैनल पर सैटरडे तक जो वीडियोस आने वाले हैं, उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मुझे जो भी सवाल मिलने वाले हैं, उन सभी सवालों का जवाब मैं संडे के एक स्पेशल Q&A वीडियो में देने वाला हूं। तो गाइज, अगर आपके AEW से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। लेकिन गाइज, अब हम बात करते हैं आज की वीडियो की। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AEW और NXT की व्यूअरशिप की, और जानेंगे कि किसने हमारी इस वीक व्यूअरशिप में बाजी। और इसी के साथ हम बात करने वाले हैं कि क्या AEW जाने वाली है एक और नई टूर्नामेंट, और जानेंगे कि कहां से AEW ने उनका लास्ट AEW डायनामाइट शो टेप किया था। तो गाइज, ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन गाइज, इस बार वीडियो शुरू करते ही मैं AEW के दो रेसलर्स को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूंगा, AEW के दो रेसलर स्कॉर्पियो स्काई और जैक एवंस को। और गाइज, हम विश करते हैं कि आने वाले साल उनकी रेसलिंग करियर के लिए बहुत ही अच्छे साल होंगे। लेकिन गाइज, अब हम बात करते हैं हमारी पहली अपडेट की, और जानते हैं कि इस वीक AEW और NXT के बीच में व्यूअरशिप में किसने मारी बाजी। लेकिन गाइस, हर बार की तरह ही इस बार भी AEW और NXT की व्यूअरशिप के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप के बारे में। और गाइस, हम शुरुआत करते हैं NXT से। तो गाइस, अगर हम बात करें NXT की, तो गाइस NXT को लास्ट वीक व्यूअरशिप मिली थी 669K व्यूअर्स। और गाइस, वही बात करें AEW की, तो गाइस AEW को लास्ट वीक व्यूअरशिप मिली थी 819K व्यूअर्स। लेकिन गाइस, अब हम बात करते हैं इन दोनों शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की। तो गाइज, अगर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक इन दोनों ही शोज को व्यूअरशिप में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। और गाइज, हम पहले जानते हैं NXT की व्यूअरशिप। तो गाइज, अगर हम बात करें NXT की इस वीक की व्यूअरशिप की, तो गाइज NXT की इस वीक की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 12% नीचे आ चुकी है। और गाइज, इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 590K व्यूअर्स। लेकिन गाइज, अगर हम बात करें AEW की, तो गाइज AEW का भी हाल सेम ही है। और गाइज, इस वीक AEW को व्यूअरशिप में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, और इस वीक जो AEW को व्यूअरशिप मिली है वो उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 16% नीचे आ चुकी है। और गाइज, इस वीक जो AEW को व्यूअरशिप मिली है वो है 685K व्यूअर्स। और गाइज, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वीक इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप काफी नीचे आ चुकी है। लेकिन गाइज, इस डेमोग्राफिक से भी हम जान सकते हैं कि इस वीक भी AEW ने NXT को व्यूअरशिप बैटल में हराया है। और गाइज, इस बार AEW ने NXT को व्यूअरशिप बैटल में लगातार 15वीं बार हराया है। और गाइज, न्यू ईयर के बाद से NXT अभी तक AEW पर कमबैक नहीं कर सकी। लेकिन गाइज, अब हम बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि AEW ने अपना लास्ट वीक का AEW डायनामाइट शो कहां से टेप किया था। तो गाइज, मैंने आप लोगों से पहले के वीडियोस में कहा था कि AEW के पास उनका एक प्लान भी है कि अगर AEW को अपना AEW डायनामाइट शो टेप करने के लिए डेली जरीना नहीं मिला तो फिर AEW किसी और लोकेशन पर से अपना AEW डायनामाइट शो करवाने वाली है। तो गाइज, मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि AEW को अपना डेली जरीना इस वीक के AEW डायनामाइट शो टेप करने के लिए क्यों नहीं मिला। तो गाइज, यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जैक्सनविल की अथॉरिटी ने डेलीज प्लेस का जो अरेना है उस अरेना के पार्किंग लॉट को एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। और गाइज, अब वहां पर जैक्सनविल की अथॉरिटी अपने पेशेंट्स रख रही है, और अगर AEW का डायनामाइट शो वहां पर हुआ तो फिर वहां पर फैंस आ जाएंगे। और गाइज, यही चीज प्रिटेंड करने के लिए जैक्सनविल की अथॉरिटी ने AEW को उनका डेलीज प्लेस अरेना इस्तेमाल नहीं करने दिया, और इसके बाद AEW ने अपना AEW डायनामाइट शो करवाने के लिए एक स्पेशल लोकेशन ढूंढी जो लोकेशन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि AEW नहीं चाहती कि किसी भी फैन को पता चले कि AEW कहां पर हो रही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो सारे फैंस AEW को शो करने के लिए अरिनाज के पार्किंग लॉट में गैदर हो जाएंगे, और यही चीज AEW नहीं होने देना चाहती थी। और इस वजह से AEW ने इस वीक का AEW डायनामाइट शो एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन से टेप किया है। लेकिन गाइज, यहाँ पर कुछ ऐसी थ्योरीज आ रही है जो हमें बताती है कि इस वीक का AEW डायनामाइट शो कहाँ पर हुआ था। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहली थ्योरी तो ये है कि इस वीक का AEW का डायनामाइट शो मैट हार्डी के पर्सनल हार्डी कंपाउंड के रिंग में हुआ था। और गाइज, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पहले भी मैट हार्डी के पर्सनल हार्डी कंपाउंड में उनके अल्टीमेट डिलीशन मैचेस देखे हैं। और गाइज, हमने वहां पर मैट हार्डी के पर्सनल कंपाउंड में मैट हार्डी की एक होम रिंग भी देखी थी। और गाइज, मैट हार्डी का गैरेज एरिया इतना बड़ा है कि वहां पर कोई भी रेस्लिंग शो 50 लोगों की कैपेसिटी में हो सकता है। और मुझे पता नहीं कि आपको याद है या नहीं, लेकिन जब मैट हार्डी TNA के साथ थे तब TNA ने मैट हार्डी के हार्डी कंपाउंड से ही अपने TNA का एक एपिसोड टेलीकास्ट किया था। और गाइज, उस एपिसोड में भी अच्छी खासी क्राउड थी। लेकिन गाइज, अब मेरे पास आपको दिखाने के लिए TNA उस एपिसोड की तस्वीरें नहीं है, इसी वजह से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लेकिन गाइस, ऐसे होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इस वीक का AEW का डायनामाइट शो मैट हार्डी के हार्डी कंपाउंड में से शूट किया गया होगा। लेकिन गाइस, यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है कि इस वीक का AEW डायनामाइट शो टोनी खान के किसी पर्सनल अरेना में हुआ होगा। और गाइस, ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि टोनी खान भी एक बहुत बड़े बिलियनर है, और किसी बिलियनर के पास उनका खुद का अरेना होता है। और यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी सच
होने के भी चांसेस इसलिए है क्योंकि हमने AEW डायनामाइट शो के दौरान देखा था कि जब वहाँ पर फ्लोर मैट हटा तो वहाँ पर हमें नीचे ग्रीन घास दिखाई दी और गाइस जनरली भी किसी रेसलिंग अरेना के रिंग के आसपास इतनी घास नहीं होती, तो फिर यहाँ पर ये दूसरी पॉसिबिलिटी भी सच होने की चांसेस बहुत ज्यादा है कि इस वीक का AEW डायनामाइट शो टोनी खान के किसी पर्सनल अरेना में शूट किया गया होगा। लेकिन गाइस अभी तक हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि इस वीक का AEW डायनामाइट शो कहाँ पर टेप किया गया था, और ये दो बातें जो मैंने आप लोगों को बताई है वो सब सिर्फ फैंस के बीच में चल रही हुई स्पेकुलेशन है। गाइस आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे ही AEW से जुड़ी हुई सभी न्यूज रूमर्स और अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हाँ बेल आइकन दबाना भी मत भूलना। गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या एक और रेसलर ने ज्वाइन की है डेथ ट्रायंगल। तो गाइस AEW के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह तस्वीर AEW ने पोस्ट की थी और गाइस इस तस्वीर में AEW ने लिखा था कि एक्सकैलिबर ने ज्वाइन कर ली है डेथ ट्रायंगल और अब डेथ ट्रायंगल चेंज होकर बन चुकी है द डेथ स्क्वायर। और गाइस इस पोस्ट के बाद सभी लोग हैरान थे कि एक्सकैलिबर ने कैसे ज्वाइन कर लिया डेथ ट्रायंगल, क्योंकि एक्सकैलिबर तो AEW में एक कमेंटेटर है और गाइस एक कमेंटेटर का एक रेसलिंग फैक्शन ज्वाइन करना किसी भी तरीके से सेंस नहीं बनाता। और गाइस इस चीज से रिलेटेड मेरे पास भी कुछ कमेंट्स आए थे जहां पर लोगों ने पूछा था कि अब क्या डेथ ट्रायंगल डेथ स्क्वायर बन चुकी है या नहीं। तो गाइस मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि ये तस्वीर AEW ने अप्रैल 1 को पोस्ट की थी और गाइस इसका मतलब आप लोग समझ सकते होंगे कि AEW ने यहां पर हमें अप्रैल फुल बनाया है। और गाइस ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सकैलिबर को उनके करियर में एक बहुत ही बड़ी इंजरी हो गई है और उसके बाद से एक्सकैलिबर एक फुल टाइम कमेंटेटर की जॉब पर आ चुके हैं। और इसके बाद AEW ने ऑफिशियली अनाउंस भी किया है कि AEW ने ये अप्रैल फुल का मजा किया था और गाइस ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस इसीलिए ये अपडेट मैं आपको नहीं बता रहा था, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए इसी वजह से मैंने आपको ये अपडेट बता दी है। लेकिन गाइस अब हम बात करते हैं हमारी फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि क्या AEW जाने वाली है एक और टूर्नामेंट। तो गाइस अभी से कुछ देर पहले AEW के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर AEW ने यह तस्वीर शेयर की जिसमें लिखा है ब्रेकिंग न्यूज 18 मैन 8 टाइगर हु विल वॉक आउट फर्स्ट। और गाइस इसका मतलब कि 18 लोग 8 टाइगर और कौन पहले बाहर निकलेगा। और गाइस इसका नाम भी AEW ने रखा है और यहाँ पर AEW इस चीज को किंग ऑफ टाइगर्स बुला रही है। और गाइस इस चीज से रिलेटेड मेरे पास भी कुछ कमेंट्स आए थे जहाँ पर मुझे लोगों ने पूछा कि क्या AEW एक और टूर्नामेंट लाने वाली है या नहीं। तो गाइस मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी तक AEW की तरफ से सिर्फ एक ही पोस्ट आई है जो नेटफ्लिक्स के एक बहुत ही बड़ी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर है। और गाइस यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्री शेरों की लाइफ पर है और मुझे लगता है कि इस डॉक्यूमेंट्री का लीड एक्टर भी एक रेसलर रह चुका है और इसी वजह से AEW ने इस डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट करने के लिए ये पोस्ट किया होगा कि AEW में एक और टूर्नामेंट होने वाली है जिस टूर्नामेंट में 18 लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर और कुछ चीजें नहीं है, यहाँ पर AEW की तरफ से सिर्फ एक ही पोस्ट आई है जो ये दिखाती है कि AEW में एक टूर्नामेंट होने वाली है और इससे ज्यादा यहाँ पर कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट मुझे मिलती है तो फिर वो अपडेट मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर कर दूंगा। पर गाइस आज की वीडियो यही तक थी, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि AEW को ऐसी टूर्नामेंट लानी चाहिए या नहीं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। हे डिड यू लाइक दैट वीडियो, क्लिक द स्क्रीन फॉर मोर। And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?